पेपर बुकरम और लाइनिंग लेंगे 10x10 इंच की। कपड़े को उल्टा करके हम इसके ऊपर पिन के साथ लगाएंगे। पिन अप करने के बाद हम राउंड में सिलाई लगाएंगे। के बाद हम इसके बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगाते हुए इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले बुकरम का इस हिस्से को 1 इंच पे मार्क करके कट कर ले राउंड शेप में। अब कपड़ा बुकरम के ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक और फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। इसके लिए हम इस तरह की ट्रायंगल शेप की लुकियां तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने एक स्क्वायर शेप में कपड़ा कट किया है। इसको इस तरह फोल्ड करके एक और फोल्ड करके नीचे के पोर्शन पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने ट्रायंगल शेप में लुपियाँ तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम कपड़े को राउंड शेप में फोल्ड करके डोरी तैयार करेंगे। आप जितना डीप नेक कट करेंगे उसके हिसाब से डोरी कट कर लीजिएगा। अब एक एक ट्रायंगल शेप की लुक भी लेके इस तरह नीचे के पोर्शन पे रख के सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम इसके नीचे के पोर्शन पे जो डोरी तैयार की थी वो अटैच करेंगे। ये आप हाथ से कच्चा करके लगा सकते हैं और इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए आप कोई पर्ल मोती या फिर जरकन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस तरह के पर्ल मोती लिए हैं जो एक साइड से फ्लैट होते हैं। देखिए मोती लगाने के बाद ही कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसके बाद आप नीचे डेकोरेशन के लिए जरकन की एक लाइन भी लगा सकते हैं राउंड में। डेकोरेशन टोटली आपके ऊपर है। आप चाहे तो इस नेक को हैवी करने के लिए लैस या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।